हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के हलवे की रेसिपी। व्रत में आप इसे बनाकर खा सकते हैं या फिर आप वैसे भी कभी भी इसे बना सकते हैं। सारी चीजें आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, प्लैटर ऑफ टेस्ट आपके लिए लेकर आया है 9 दिन की 9 फलाहारी रेसिपीज की एक सीरीज, जिसे आप मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के व्रत स्पेशल प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोज आने पर आप नोटिफाइड हों। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और गैस को कर दिया है ऑन, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप देसी घी। घी को अच्छे से हमें मेल्ट होने देना है। हलवे में घी जितना ज़्यादा हो उतना ही टेस्टी आपका हलवा बनेगा, तो ये एक सीक्रेट टिप है। तो अब आप देख सकते हैं घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े उबले हुए आलू, रफली मैश करते हुए तोड़ते हुए मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे कस भी सकते हैं। तो आलू अब देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, गैस की आंच को मैंने कम पर रखा है और अब आलूओं को अच्छे से मैश कर देते हैं। आलू के हलवे में बहुत कम चीज़ें यूज़ होती हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो अब ये देखिए आलू जो है अब अच्छे से मैश हो गया है। तो अब इसे लगातार हमें चलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर मैं आलू को उठा रही हूँ, नहीं तो नीचे का आलू जो है वो जल जाएगा और ऊपर का पकेगा नहीं। तो अब ये आलू हल्के से पक गए हैं, तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम और मध्यम आंच पर हम इस आलू को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये हल्का सा लाल नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, 3/4 कप शक्कर मैंने यहाँ डाली है। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और शक्कर के साथ ही हमें आलू को भूनना है। तो अब ये शक्कर के साथ ऊपर से नीचे करते हुए मैं आलू को भून रही हूँ, साथ ही साथ अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है जब तक कि एकदम लाल ना हो जाए। गैस की आंच को मैंने मीडियम पर ही रखा है। अब आप देख सकते हैं हलवे का कलर एकदम चेंज हो गया है, लाल हो गया है ये, और इसने घी छोड़ दिया है। कढ़ाई के बाजू में आप देख सकते हैं घी की ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी, यानी कि ये अब अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।